man. Play the man, this man. Pero, I'm the tour. हेलो फ्रेंड्स, आप जैसे देख पा रहे हैं मेरी बेटी को मैंने एक बहुत अच्छा सा काम दिया है। ये उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करेगा क्योंकि उसमें उसके हाथ पांव कमर मींस ए टू जेड बॉडी मसल्स का यूज हो रहा है। इसमें बहुत प्यारा वो इंजॉय कर रही है। इनको बड़े प्यार से ये जो है ये उसके टॉयज के पीसेस हैं, इनको बहुत प्यार से उठा उठा कर ये बकेट में डाल रही है और उसको ये करने में बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअल में उसने ये सेम एक्टिविटी बहुत बार की मेरे साथ, नॉट ओनली वन टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स। बस इसमें मैं आपको ऐसे ही बताना चाहूँगी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम मानते हैं हाँ भाई बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स सिखानी है ताकि वो लिखना सीख जाए जल्दी से, पर फाइन मोटर स्किल्स सिखाने के लिए भी उसको ग्रॉस मोटर स्किल्स सिखानी बहुत ज़रूरी है। उसकी जितनी ग्रॉस मोटर स्किल्स इंप्रूव होंगी उतनी ही जल्दी उसकी फाइन मोटर स्किल्स में ग्रिप अच्छी हो जाएगी। अब आप सोचेंगे ये तालमेल कैसे होगा अगर वो देखिए लास्ट वन तो कैंडल की उंगलियों से है लेकिन उसको रिस्ट का भी तो यूज करना पड़ रहा है ना, बार बार आगे करने के लिए शोल्डर्स का भी उसका यूज हो रहा है। ये इसकी सेकेंड मोटर सॉरी ग्रॉस मोटर स्किल्स है जिसमें वो बेड से नीचे उतरती है फिर बार बार ऊपर चढ़ती है। ये मैं इतना शूट नहीं कर पाई थी। ये इसकी थर्ड टाइप ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स है जिसमें मैंने इसको व्हाइट बोर्ड बेड के ऊपर रख दिया है नीचे की तरफ करके हिचका बना के, गुजराती में हिचका बोलते हैं, स्लाइडिंग झूला कह लीजिए आप। इसमें ये ऊपर चढ़ती है और फिर नीचे उतरती है झूले लेने के लिए। ये बीच में वो खेल रही है अपना क्योंकि ये बहुत मस्ती करती है मेरी बेटी, इसको बहुत अच्छा लगता है मस्ती करना। कैसे ऊपर चढ़ गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इसमें। ये वो ऊपर चढ़ गई, ये नीचे अपनी तरफ से वो झूले ले रही है लेकिन मैंने उसके एंजॉयमेंट के साथ साथ ये भी ध्यान रखा है कि उसे चोट ना लगे। क्या हो गया लॉयन को? मैंने नीचे गद्दा भी छा रखा है कि अगर वो नीचे गिर जाए। लॉयन डरता नहीं है, वैसे तो हम दोनों उसके साथ ही रहते हैं। उसे कभी भी आप कोई भी स्किल्स इंप्रूव करा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो मम्मी या पापा में से एक पेरेंट का होना उसके साथ बहुत जरूरी है। देखिए वो नीचे उतरी है अपना, स्लाइडिंग कर रही है फिर ऊपर चढ़ रही है, उसको ये एक्टिविटी करने में बहुत मजा आ रहा है। इसी तरह मैंने एक और एक्टिविटी इसमें ऐड की हुई है, शायद किसी आपको आजा आजा कोई बात नहीं, उसमें वो अरे बच्चा नाचते देखने पड़े मेरे साथ, आजा आजा बनगी मूवी, उसको बहुत मजा आ रहा है। फिर वो बैठती है खड़ी हो जाती है, जैसे हम बच्चे को बोले सिट डाउन स्टैंड अप, सिट डाउन स्टैंड अप, ऐसे ही बॉल्स की होती है, बॉल को थ्रो करना कैच करना। ये आप आगे देखोगे वो बॉल को थ्रो करती है कैच करती है। उसको एक मैंने बहुत अच्छा बॉक्स बना के दिया था बॉल डालने के लिए, इसमें अभी ये बॉल्स अपने डाल रही थी, अब इसको अचानक से याद आ गया कि मुझे इसको उठाना है, पुशअप्स करने हैं। उसने ये अपनी सारी बॉल वैसे निकालनी है, अभी वो एक एक बॉल उठाएगी। ये देखिए इसमें इसकी सारी मसल्स यूज हो रही हैं, वो अभी इसमें अपनी एक बॉल उठाएगी फिर वो बॉक्स में जाके डालेगी। तो ये भी उसके लिए अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि हमें बच्चे को सिर्फ उसमें बॉल ही डलवानी है। वो जिस तरह से खेलता है उसको खेलने देना है, उसको फ्रीली छोड़ना है ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल और बने रहिए।